बताइए। तमन्ना हाशमी तुमसे 3 लाख रुपये का डिमांड किए थे दुबई ले जाने के लिए, दुबई में नौकरी दिलवाने के लिए। इनको मैंने 3 महीना पहले 50,000 रुपया दिया था, बोले थे कि 3 महीना में आपको हर हाल में विदेश में नौकरी लगवा देंगे। जब 3 महीना बीतने के बाद जब मैं इनको तगादा किया कि मेरा काम का क्या हुआ, तो ये बोले कि हो जाएगा, फिर पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। कल जब मैं इनसे मिला कि मेरा पैसा रिटर्न कीजिए, जब हमको पता चला कि बहुत लोगों से पैसा लिए हुए हैं विदेश जाने ले जाने के क्रम में और किसी को नहीं भेजे, तो मैंने कल इनसे बोला कि मेरा पैसा जो दिए हुए हैं आप रिटर्न कर दीजिए। इन्होंने बोला कि तुम्हारा क्या औकात है, हरिजन शब्द का प्रयोग किया और धक्का देकर बोला कि हरिजन तुम्हारा साला क्या औकात है हमसे समझने का, हम तो पूरे केंद्रीय मंत्री साहब को अपना आगे पीछे घुमाते रहते हैं और केस करके पैसा सुनते रहते हैं, हमको क्या औकात है, तो अपना पैसा भूल जाओ। और मालूम हुआ कि क्या कोई कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको बाद में किसी लड़की ने बताया कि हिंदुस्तान क्या कोई कमेटी के सदस्य में ही शामिल है। और ये अपने आप को बोलता है कि हम मीडिया को तो पॉकेट में रखते हैं, केंद्रीय मंत्री मेरे आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए मैंने आज अपने तरफ से इस पर मुकदमा दायर किया। नाम बताइए अपना। चंदन कुमार।